Welcome to iMedita. In this video we are going to learn how to configure OSPF routing protocol in Cisco SD-WAN. जब तक वो ऑन होगा तब तक मैं बाकी जगहों पे OSPF कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, जैसे OSPF यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर कर देता हूँ राउटर पे, ठीक है। यहाँ पे मैं करके बाद में दिखाऊंगा आपको, तो इसको मैं अभी ऑन नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट BGP का अभी हमें आज काम नहीं पड़ेगा, तो अभी हम केवल OSPF पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको CLI से करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ BGP चला लेंगे ऊपर। तो जब तक ये सब बूटअप हो रहा है तब तक हम मतलब अपना ये जैसे ये जो एस डिवाइस है इसको, तो इन दोनों को तो हम CLI उससे कॉन्फ़िगर करेंगे VManage से। सो साइट वन VH1, साइट वन VH2 इनको हम कॉन्फ़िगर करेंगे वाया टेम्पलेट्स OSPF इसके लिए GigaBit 0x2 के लिए, बट अपने राउटर्स पे। यहाँ पे जैसे ये राउटर हो गया, ये जो आपके राउटर्स हो गए इनके लिए जरा हम LAN पे अपना OSPF एक बार रन करा लेते हैं। तो मैं इस राउटर पे गया, यहाँ पे यहाँ पर मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो इनको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, इसको तो मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद दिस वन, साइट वन आर वन नेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम साइट वन आर वन। हमने IP भी नहीं दिया था क्या इसको? IP तो दिया होगा यार। किसको सर? साइट वन आर वन को IP दिया था हमने, नहीं राउटर पे IP नहीं राउटर पे सर IP नहीं दिया था। अच्छा, मैंने केवल HSRP ऐसे चला के दिखाया था। HSRP तो दिखाया था ना, HSRP की कंफ्यूजन तो हमने करी थी। नहीं सर। तो साइट वन VH1, तो ये तो बाद में करेंगे। साइट वन आर वन पे जाओगे, इस पे जो इंटरफेस है आपका, इंटरफेस ETH 0x0 IP एड्रेस 192.168.10.3 no shutdown, loopback, IP address 172.16.1.1 255.255.255.255, interface loopback 2, loopback 2 पे भी IP देते हैं, IP address 1.2 का, interface loopback 3, IP address इसको 3 पे देते हैं, ठीक है। और राउटर OSPF नेटवर्क और एरिया 0। बेसिक OSPF आपने रन करा दिया, आपने इंटरफेसेस पे IP दिए, डू शो IP इन ब्रीफ, आपने इंटरफेसेस पे IP दिए, ठीक है, रिस्पेक्ट इंटरफेसेस पे IP दिए, LAN मतलब लूपबैक्स क्रिएट करे और शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, आपने मतलब OSPF रन करा दिया सभी के सभी इंटरफेसेस। आई विल डू द सेम, इसको तो बाद में देखेंगे क्योंकि इसको हमें टेम्पलेट से करना है। सो ये डन है। नाउ साइट थ्री राउटर थ्री ये है। तो साइट थ्री राउटर थ्री पे जो हमें कन्फेशंस करनी है, हमें तो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम साइट थ्री राउटर थ्री, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंटरफेस 0x0 IP address 192.168.60.2 no shutdown interface loopback 1, ठीक है, IP address 172.16.3.1। और एक काम करते हैं, लूपबैक 2 क्रिएट करते हैं 3.2, लूपबैक 3 क्रिएट करते हैं 3.3, लूपबैक 4 भी क्रिएट करेंगे, अभी रीजन बता दूंगा, 4 क्रिएट करेंगे, सॉरी 4 5 क्रिएट करेंगे, 5 6 क्रिएट करेंगे 6 के लिए, और 7 जो आपके पास रहेगा ये 7 के लिए। और इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि राउटर OSPF नेटवर्क 192.168 के लिए
मतलब वो स्क्रिप्ट चला रही है आपने, और आप क्या करोगे, आप इनफैक्ट इंटरफेस रेंज लुकबैक 1 से लेके 3 केवल इन पे ही क्या चलाओगे, आप वो स्क्रिप्ट चलाओगे जो बाकी के लुकबैक इंटरफेसेस हैं 4 से लेके 7 तक के, इन पे आप क्या चला दो, EIGRP चला दो, राउटर EIGRP नो ऑटो समरी और नेटवर्क 172.16.3.4 वाइल्ड कार्ड मास्क 5, 6 एंड 7 रीजन ये रहेगा क्योंकि अब आपका यहां पे शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ओएसपीएफ आपके दोनों दोनों इन इंटरफेसेस पे चल रहा है, इथरनेट इंटरफेसेस पे और लूपबैक्स पे चल रहा है आपका ओएसपीएफ, दैट इज ओके, और लैन पे आपको क्या चलाना है, EIGRP शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस। तो EIGRP कहां चल रहा है, 4567 लूपबैक, और आपको क्या करना है, कॉन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ और क्या करना, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 ताकि हो क्या, ताकि आपके EIGRP के राउट्स क्या हो ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचे और आप ये देख पाओ कि ओएसपीएफ ये ओएमपी बाय डिफॉल्ट आपके ओएसपीएफ एक्सटर्नल राउट्स को आगे पास नहीं करेगा जब तक कि हम अलाउ ना करें। तो ये आपको थोड़ा सा एक सिंपल सेटअप करते हुए चलना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया। तो डू शो रन राउटर ओएसपीएफ और राउटर EIGRP ये आपने रन कराया हुआ, ओएसपीएफ इंटरफेसेस पे भी इनेबल्ड है, लूपबैक इंटरफेसेस पे स्टार्टिंग के 3 लूपबैक इंटरफेसेस पे इनफैक्ट आपका ओएसपीएफ इनेबल्ड है और लास्ट के 4 इंटरफेसेस पे आपका इनेबल्ड है EIGRP। रिडिस्ट्रीब्यूशन आपने परफॉर्म किया हुआ है ओएसपीएफ में EIGRP का, अब EIGRP में ओएसपीएफ का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज EIGRP कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कोई नेबर एवर नहीं है, डन सेव कर दिया। डीसी में आई थिंक शो आईपी इंट ब्रीफ ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यहां पे क्या करना, राउटर BGP डीसी क्या साइट आईडी थी इसकी 5, चलो 5 ले लेते हैं, राउटर BGP 5 नेबर 192.168.5.1 रिमोट AS 5 एंड नेटवर्क 172.16.5.1। होप कि आपको बेसिक BGP का आइडिया हो कि कैसे BGP में क्या होता है। तो BGP आप रन करा रहे हो इसके लिए, अपने LAN सबनेट्स के लिए आप LAN पे 5.1 5.2 और 5.3 आप इनके लिए BGP आपने रन कराया, मतलब दीज आर द प्रीफिक्सेस दैट यू आर एडवर्टाइजिंग इन द BGP, आप इन प्रीफिक्सेस को BGP में एडवर्टाइज कर रहे हो और आपकी जो नेबरशिप बनेगी वो आपकी बनेगी किसके साथ, 5.1 मतलब जो आपका ये है इसके साथ, सेव कर देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेम्पलेट्स, लेट्स स्टार्ट विद कॉन्फिगरिंग ओएसपीएफ फॉर द लैन। सो आई विल गो हियर, वी मैनेज का जीवा एक्सेस लेते हैं, आई होप सब अप एंड रनिंग रहे, नहीं तो फिर कमांड चलानी पड़ेगी फिर 192.168.1.1। ये डाउन है इससे हमें मतलब भी नहीं है फिलहाल। लगभग सारी अब दिखा रहा है, ये डाउन हो जाएगी थोड़ी देर में बिकॉज रीचेबिलिटी नहीं है। एनीवे नाउ लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट, सो आई विल गो हियर, आई विल गो टू द टेम्पलेट्स। आपको याद हो हमने ऑलरेडी वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स बना रखे हैं, इनफैक्ट हमने VHA 2 टेम्पलेट लगा भी रखे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। आई विल गो टू द फीचर टेम्पलेट, आई विल से साइट 1 के
ये हमें OSPF चलाना है, तो हम क्या करेंगे, एड टेम्पलेट, एक नया टेम्पलेट एड करते हैं, किसके लिए, वी मतलब क्लाउड, VH क्लाउड के लिए, ठीक है, कौन सा टेम्पलेट, नीचे आओगे OSPF का टेम्पलेट, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं इसका, साइट वन वी एज OSPF, नाम याद रहेगा, राउटर आईडी देनी है आपको, अगर आप चाहो तो आप इनसे राउटर आईडी स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं दोगे तो जो सिस्टम आईपी होता है वही राउटर आईडी होती है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फिगर एनी राउटर आईडी, डिफॉल्ट तरीके से चूज की जाएगी। डू यू वांट टू चेंज द राउट सेटिंग्स, के एक्सटर्नल राउट्स की एडी क्या होगी, इंटर एरिया राउट्स की एडी क्या होगी, आई एम नॉट गोइंग टू सेट एनीथिंग एज वेल। कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, बिल्कुल, यू वांट टू रिडिस्ट्रीब्यूट ओएमपी इनटू द ओएसपीएफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रिडिस्ट्रीब्यूट, क्या रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, ओएमपी प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, वी डोंट वांट टू अप्लाई एनी पॉलिसीज बट रिडिस्ट्रीब्यूट ओएमपी प्रोटोकॉल इनटू द ओएसपीएफ एंड जस्ट एड दिस। वी डोंट वांट टू अप्लाई एनी पॉलिसीज, आई डोंट हैव एनी पॉलिसीज, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पे, तो आई एम नॉट गोइंग टू कन्फिगर कि क्या एडवर्टाइज होगा क्या नहीं होगा, आई विल जस्ट से एड मैक्स मेट्रिक राउटर से, यू डोंट नीड टू नो, बट अगर आप मैक्स मेट्रिक राउटर से सेट कर लोगे तो ये कॉस्ट मैक्सिमम कर लेता है, बस फिलहाल इतना याद रखो। एरिया, बिल्कुल, एरिया पे गए, कौन सा एरिया है, अब ये तो सर दोनों सेम ही एरिया का पार्ट है, याद रखना दिस टेम्पलेट विल गेट पुश्ड टू द बोथ द डिवाइसेस, और दोनों ही डिवाइसेस पे ये आपका सेम एरिया का पार्ट है, तो इट्स फाइन, वी कैन जस्ट ग्लोबली सेट द एरिया एज एरिया जीरो, अदरवाइज हम इसको डिवाइस स्पेसिफिक पे रखना पड़ता अगर हमें अलग अलग क्या करना होता, एरिया सेट करना होता, बट जीरो इज ओके। डू यू वॉन्ट टू सेट दिस एरिया एज द स्टब एरिया, ठीक है, नॉट सो स्टबी एरिया, नो नो आई डोंट वॉन्ट, नॉर्मल एरिया है, स्टब एरिया में आपके टाइप 5 मतलब एक्सटर्नल LSAs अलाउड नहीं होते, नॉट सो स्टबी एरिया में आपके एक्सटर्नल LSAs टाइप 7 LSAs की फॉर्मेट में अलाउड होते हैं, अगर उसी एरिया में किसी राउटर ने रिडिस्ट्रीब्यूट किया है तो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फिगर दैट एज वेल। अच्छा, इस एरिया में कौन सा इंटरफेस है, तो इंटरफेस तो कॉमन है दोनों के लिए, आई जस्ट से एड इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है, GE 0/2, ठीक है, टाइमर चेंज करना है नहीं करना, LSA इंटरवल नहीं, कॉस्ट चेंज करनी है क्या, लेट्स चेंज द कॉस्ट, इंटरफेस की कॉस्ट रहेगी 50, मतलब इस इंटरफेस पे जो भी राउट्स लर्न होंगे उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त 50 एड किया जाएगा, वी कैन मैनिपुलेट द कॉस्ट। और क्या कर सकते हो, ये करो, ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो, अगर आपको याद हो तो OSPF में मैसेज डाइजेस्ट, प्लेन टेक्स्ट, दो तरह के ऑथेंटिकेशन सपोर्टेड रहते हैं, यू कैन इनेबल द ऑथेंटिकेशन, की सेट कर सकते हो, मैसेज डाइजेस्ट की सेट कर सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू इनेबल द ऑथेंटिकेशन क्योंकि हमने दूसरी तरफ भी नहीं किया, आई एम नॉट सेट एनी ऑथेंटिकेशन हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट टू द डिफॉल्ट। तो एडिशनल पैरामीटर्स हैं, इफ यू वांट टू कॉन्फिगर द एडिशनल पैरामीटर्स लाइक यू वांट टू चेंज द नेटवर्क टाइप, यू वांट टू कॉन्फिगर इट एज द पैसिव इंटरफेस, यू वांट टू चेंज द राउटर प्रायोरिटी फॉर DR BDR इलेक्शन, तो दैट थिंग यू कैन सेट इन द इंटरफेस कॉन्फिगरेशन, एट द मोमेंट वी डोंट रिक्वायर, एड डन, एड ओके। सो OMP हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, एरिया हमने सेट कर लिया, एरिया में आने वाले इंटरफेसेस भी बता दिए, कुछ और रेफरेंस बैंडविड्थ कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिफॉल्ट राउट दिलवा देते हैं। व्हाट आई वांट दैट दीज राउटर्स दे मस्ट एडवर्टाइज अ डिफॉल्ट राउट टू द लोकल साइट, तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, चाहे उनके पास खुद डिफॉल्ट राउट हो चाहे ना हो, दे विल एडवर्टाइज द डिफॉल्ट राउट। मैट्रिक टाइप, जो आपकी मैट्रिक टाइप होगी, एक्सटर्नल टाइप 1 टाइप 2 अगर आपको याद हो तो OSPF में दो तरीके की आपकी मैट्रिक टाइप होती है, तो वी कैन सेट द मैट्रिक टाइप एज वेल फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग, बाकी आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एनीथिंग एल्स। से दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एन OSPF टेम्पलेट, बताओ कोई डाउट है, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एन OSPF टेम्पलेट, and just like that you will just go here, edit the site 1 VS devices,
गो टू द सर्विस वीपीएन, क्योंकि ऑब्वियसली आप ओएसपीएफ सर्विस साइट के लिए रन करा रहे हैं, एंड यहाँ पे क्या ऐड कर देना, कहाँ है ओएसपीएफ, कौन सा टेम्पलेट जो आपने बनाया है, एंड जस्ट अपडेट. 200 साइट्स थ्री, 300 साइट्स थ्री, सब कुछ हो गया. जो फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी वो फील्ड्स आपसे फिलअप करवाएगा. अगर कुछ ऐसी फील्ड हुई जो हमने सेट नहीं की हुई है, बट एवरीथिंग हमने सेट करी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें भरी हुई हैं ऑलरेडी, बिहेवियर आपकी सेट है ऑलरेडी, तो यू नो वी हैव ऑलरेडी सेट एवरीथिंग, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओएसपीएफ में हमने लगभग सारी चीज़ें मैनुअली ही कन्फिगर करी हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी. और आप चेक करोगे कि क्या कन्फिगरेशन चेंजेस हुए. So if you are going to check the configuration changes, you can check the configuration changes as well. So, config diff, side by side diff, ये रहा आपके configuration changes. इस तरीके से OSPF CLI पे भी आप चला सकते हो. याद कर लो. अभी कराएंगे दूसरी तरफ हम यही चलाएंगे. तो router, OSPF, default information originate, metric type, timers, redistribute, area बनाया, उसके अंदर interface बताए. कॉस्ट डिफाइन करी. तो दिस इज द हायरार्की, दिस वे में आपको ओएसपीएफ रन कराना होता है. एंड जस्ट कॉन्फिगर डिवाइस, दोनों डिवाइसेस पे कॉन्फिगरेशन पुश कर दी जाएगी, अच्छी बात है. एंड यू विल सी, इसको देखना ये देखो. सो कॉन्फिगरेशंस आर पुश नाउ, कॉन्फिगरेशन पुश हो चुकी है इनफैक्ट, और कॉन्फिगरेशन पुश हो चुकी है इसका मुझे पता यहीं से चल गया कि ओएसपीएफ की नेबरशिप आ चुकी है. शो आईपी राउट, सॉरी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, यू कैन चेक कि नेबरशिप अप है. शो आईपी राउट ओएसपीएफ, एज ऑफ नाउ केवल डिफॉल्ट राउट आ रहा है, एज ऑफ नाउ केवल डिफॉल्ट राउट आपका इनकमिंग है. अच्छा हो गया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार. ये हो गया है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है साइट वन राउटर वन ही है, तो आई डोंट नो व्हाई इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, बट इट्स डन एक्चुअली. शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस जो भी होता है सब आपको दिख जाएगा. अच्छा, मॉनिटर यहाँ पे इन पे देखो. शो आईपी राउट ओएसपीएफ, ये रहे कौन से राउट्स, यही तो हैं, ये आपके राउट्स हैं जो आपके क्या हैं, यू नो आए हुए हैं कहां से, आपके लैन से. ये शो आईपी राउट वीपीएन 10 में सारे राउट्स जो भी हैं वो सारे दिख जाएंगे आप. सो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है. अच्छा ठीक है, यहां से तो मॉनिटर कर ही सकते हो. शो ओएसपीएफ नेबरशिप चेक करना है. शो ओएसपीएफ इंटरफेस चेक करना है, कौन कौन से इंटरफेसेस पे ओएसपीएफ इनेबल्ड है, क्या है क्या नहीं. ठीक है, यहां से भी चेक कर सकते थे. यहां पे जाते, मॉनिटर की टैब में जाते, नेटवर्क में जाते, और कौन सी डिवाइस, लेट्स से साइट टू CH1 साइट 3, हाँ ये तो अनरीचेबल ही है ना, ऑब्वियसली ये अनरीचेबल है क्योंकि ये बंद है और ये अनरीचेबल है. ठीक है ना, तो हम इस पे जाते हैं, साइट 1 VH पे जाते हैं, और देखो साइट 1 VH पे जाके सबसे नीचे आओ, रियल टाइम पे जाओ, और रियल टाइम पे जाके यहाँ आईपी राउट्स, और आप यहाँ पे राउट्स में जैसे आप जो है फिल्टरिंग लगा सकते हो, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू, जो ओएसपीएफ के थ्रू लर्न हुए हैं केवल वो राउट दिखाओ. आप ये दिखा सकते हो जो राउट्स आपके वाया ओएसपीएफ लर्न हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो करा देगा. नेबरशिप चेक करनी है तो ओएसपीएफ नेबर करके आप चेक कर सकते हो कि क्या नेबरशिप है क्या नहीं.
नेबरशिप आप चेक कर सकते हो कहाँ से नेबरशिप बनी है। ओएसपीएफ अगर आप बात करोगे तो प्रोसेसेस चेक कर सकते हो, कितने रन कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, मतलब वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू चेक यू कैन चेक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर एज वेल। ओएसपीएफ बस आपको डालना है, डेटाबेस चेक करना है आपको। तो whatever information you want to check, you can check the information from the vManage itself. आप vManage से भी information ये check कर पाओगे। You don't need to log in to every device and then check that. तो इस तरीके से आपका ये OSPF configured हो जाएगा templates के through. Same things you can also configure from the CLI easily. यहाँ पे जाओ. For example, now you want to configure the same things via CLI for the LAN. तो आप क्या करोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सबसे पहले VPN 10 में जाओगे, राउटर क्या चलाओगे आप OSPF चलाओगे, एंड देन यहाँ पे आप डिफाइन करोगे कौन सा एरिया, एरिया जीरो, एंड एरिया जीरो में कौन सा इंटरफेस, इंटरफेस GE 0x1, ठीक है। एडिशनल आपको फर्दर जो भी कमांड रन करानी है वो कमांड्स आप यहाँ पे रन कराओ, एग्जिट करके फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो डिफॉल्ट क्या नाम है आपका एग्जिट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन मान लो आप चाहते हो कि डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट की जाए, सो व्हाटएवर एक्स्ट्रा कमांड्स यू वांट टू रन जस्ट डू अ क्वेश्चन मार्क एंड रन द कमांड्स। अगर आपको रन करानी है, राउटर आईडी चेंज करना है, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं आप कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं, एंड जस्ट कमिट इट, कमिट। VPN 10 राउटर OSPF एरिया 0 इंटरफेस इंटरफेस रिफर कॉन्फ़िगर एन एड्रेस और रिमूव। ओह ओके 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 ओके, सीन क्या है, हम वो तो कॉन्फ़िगर कर ही रहे हैं, बट पॉइंट क्या है कि एक्चुअल में हमने अपने उस इंटरफेस पे आईपी तो दिया ही नहीं अभी तक। अरे उस इंटरफेस पे आईपी भी देना पड़ेगा आपको, तो हमें आईपी देना है, आईपी क्या देना है, VPN 10 में इंटरफेस गीगाबिट 0x1 पे आईपी एड्रेस 192.168.30.1/30 का आईपी भी देना था, जो आपने आईपी इनफैक्ट नहीं दिया था अभी तक, एंड देन कमिटेड। अब हो जाएगा, आईपी नहीं दिया था हमने, और क्या करना था, VPN 10 राउटर OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट OMP, ताकि OMP के राउट्स क्या हों, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। OMP में जाके नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज OMP बाय डिफॉल्ट सारे राउट्स रिडिस्ट्रीब्यूट करता ही करता है। कमिट डन, ये पार्ट आपका डन हो गया। सेम थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसको क्लोज करो, सेम थिंग यू विल गो राइट हियर, यहां पे जाके भी आप यही टास्क परफॉर्म करोगे कि आप एडमिन सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल VPN 10 इंटरफेस 0x1 को क्या करो, आप एक आईपी एड्रेस दो, दैट इज 192.168.50.1/30, नो शट करोगे, और VPN 10 में ही आप क्या चलाओगे, राउटर OSPF एरिया 0 इंटरफेस कौन सा GE 0x1, आप ये रन कराओ, और वो चलना था एग्जिट डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज, ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आपको करना है तो, एंड कमिट इट। जो एरर होंगे दिखा दी जाएंगी, अभी एज ऑफ नाउ कोई भी एरर नहीं थी, ठीक है। अब आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके चेक करो, इस ऑर्डर पे जाके आप चेक करो, इनेबल शो आईपी OSPF नेबर, शो आईपी OSPF नेबर, अभी तक OSPF का नेबर 44 के साथ कौन सी स्टेट में, स्टार्ट स्टेट में है, आएगी OSPF की नेबरशिप अब, इसके साथ क्यों आप नहीं है, इसके साथ भी तो आनी चाहिए, क्या हमारा इंटरफेस शो इंटरफेस इज डिस्क्रिप्शन, क्या हमारा लैन इंटरफेस, ओके ओके Z 0x0, ये 60-30 नहीं है यार, ये 60 एक्चुअली, ये गलत मैंने सेट कर दिया, ओके। VPN 10 इंटरफेस Z 0x1 आईपी एड्रेस 192.168.60.1 है, इनफैक्ट कमिट, शायद नॉन आईपी हटाना ना पड़े, ठीक है। शो इंटरफेस इज डिस्क्रिप्शन, हाँ अब ठीक लग रहा है, आईपी गलत सेट कर दिया था मैंने, तो यहाँ पे अब जाके आप चेक करो, आ गई नेबरशिप, तो कुछ अलग प्रोसेस थोड़ी ना हुआ, शो आईपी राउट OSPF, ये देखो ना वहां वाले राउट आ गए सारे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिवर्स रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं किया,
मैंने यहां से ओएमपी में रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहां के जितने भी राउट्स थे उठ के कहां तक चले आए आपके, इस राउटर तक रीच कर चुके हैं, यहां तक ये रहे, डिफॉल्ट राउट भी आ रहा है एक्सटर्नल फॉर्मेट में। इनफैक्ट यहां पे भी देखने को मिल जाएंगे आपको, देखो अच्छा ये खुला हुआ है ऑलरेडी, साइट वन आर वन, देखो ये रहा शो आईपी राउट ओएसपीएफ, देखो थ्री के सबनेट्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे ध्यान से देखो, कौन से नहीं आ रहे जो 4567 थे, 4567 क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपके एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस हैं और OMP by default OSPF के external prefixes को advertise नहीं करता है। ये देखो ये जो है ना ये 4567 ये OSPF के VPN 10 में external prefixes हैं जो कि अपने आप OMP में advertise नहीं होंगे, तो हमें यहां पे जाके ये कमांड रन करानी पड़ेगी कि OMP advertise OSPF external prefixes। तो अब जाके वो क्या करेगा, OSPF के जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आ रहे होंगे इनको भी क्या करेगा, वो आपका OMP में एडवर्टाइज कर देगा एज राउटर, एंड एज अ रिजल्ट आप यहां पे अपने इस डिवाइस पे अब आपको वो बाकी के जो बचे प्रीफिक्सेस थे ये भी देखने को मिल जाएंगे। पिंग विंग तो अब ऑब्वियसली आप करा ही लेना अपने हिसाब से, 172.16.3.7 सोर्स लूपबैक 1 हो गया, कैसे हो रहा है वो बात की बात है, राउटिंग कैसे हो रही है बट मतलब राउट पैकेट्स कैसे मूव कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट योर राउटिंग इज नाउ, राउटिंग पार्ट इज नाउ डन। सो यू हैव सक्सेसफुली कॉन्फिगर्ड ओएसपीएफ यूजिंग द टेम्पलेट फॉर द सर्विस साइड एंड यू हैव सक्सेसफुली कॉन्फिगर्ड ओएसपीएफ यूजिंग द सीएलआई फॉर द सर्विस साइड।